ऐसे जो मुस्लिम हैं ही शुड बी अशेम्ड ऑफ, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कोई शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम है, एंटी पाकिस्तानी है, और वो उसको वेलकम कर रहे हैं, ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। एंटी पाकिस्तान तो ठीक है क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर एंटी इंडिया ही हैं, हम कोई प्रो इंडिया नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम की अगर बात की जाए तो। और अगर बात की जाती है कि मुस्लिम होते हुए वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की या किसी हिंदू की तारीफ नहीं कर सकता? नहीं सर, मैं नेवर एवर। अगर आप मोरल ग्राउंड्स पे देखें तो ये हमें सूट ही नहीं करता कि हम उनको किसी भी चीज पे अप्रिशिएट करें, खासतौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करें, चाहे वो फ्रांस में हो या पाकिस्तान में हो, इटली में हो, जहाँ भी हो। तो अगर आप मोरल ग्राउंड्स पे देखें या इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें या मजहबी लिहाज से भी देखें, तो मेरा मैं नहीं समझता कि हमें नरेंद्र मोदी को या उसको जो है वेलकम करना चाहिए। हमारे अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बेटी के जो बेटे हैं यानी कि उनके जो नवासे हैं, वो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। ऐसे बहुत सी मिसालें हैं कि वहाँ से मुसलमान ही निकलकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पर जा रहे हैं सर। प्रेजेंट सिनारियो में बात करें, आप पीछे छोड़ दें क्या है, किसके अभाव वहाँ पे रहते हैं, इसको आप तो छोड़ दें। ओके, वन सेकंड, अब मुझे एक बात बताएगा, फिर वहाँ पर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, फिर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रही है, इवन तालिबान उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, जिनके मुल्क में इस वक्त शरिया लॉ है, वो क्यों फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं? मैडम ये अब ये किसी आप बेहतर है किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें। हर बंदा अपने इंटरेस्ट देखता है, अब मिडिल ईस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, सऊदीज के अपने इंटरेस्ट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बेहतर है, हमारे इधर जो है इन्होंने मुल्क का बेरागरा कर दिया इन्होंने, अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जाहिर है वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो वहाँ पे फिर अपना कारोबार करते हैं। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया, अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है, भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पैसे किधर से लगा? देखें इंटरनेट का दौर है, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है, आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। आपने जंगों की बात की, पाकिस्तान में ये बात मशहूर है या हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं, तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगे अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे, अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब आईटी की जंग है, इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानी है दिखाएं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है, अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें, कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है, आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार, वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीजें और तरह की आपके सामने आएंगी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा दिए, यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आजाद हुए थे उससे कोई अगर कोई 10-20-50 एकड़ कहीं से आपने फतवाहत की है तो मुझे बताएं, यानी बाउंड्री बड़ी है कहीं पे किलोमीटर को हमने, मैं आपको बैठ से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमें जो चार जंगों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये कर दिया, वो क्या कर है दिया। उन्होंने जंगों से सीखा, अच्छा, कि जंग लड़ के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए, और हमारा हम लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा तो ये कर देंगे, तो ये इस तरह की लड़ाइयां, तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है, ऐसे ही है, और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं ये समझता हूं कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं है, ये बातें बताई नहीं जाती।
ये चीज जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है इंटेग्रिटी। अच्छा, तो वहाँ पे इंडियंस भी होंगे। एग्जैक्टली वो उनका क्या बिहेवियर है, उनकी सोच क्या है और हमारी सोच में क्या फर्क? देखिए, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल है। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। अब सारे चले जाते हैं बाहर, अपनी सारी जिंदगी सेटलमेंट्स वहाँ पे करते हैं। जितने बड़े बड़े आप ब्यूरोक्रेट्स उठा लें, आप डिफरेंट जर्नल्स उठा लें, उनके आप हिस्ट्रियाँ देखेंगे, सबके पास सेकंड नेशनलिटीज है, पासपोर्ट है, ऐसे ही है। तो खुद जाके वहाँ पे रहते हैं, बच्चे अपने वहाँ पे पढ़ाते हैं, एजुकेशन सिस्टम वहाँ का इंजॉय करते हैं, लाइफ वहाँ पे गुजारते हैं। तो आके जब वो मतलब आखिरी टाइम आ जाता है तो फिर उनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्चुअल, तो क्या कहेंगे अगर हम फैक्ट्स को देखें? नहीं जी, मेरा तो जमीर ये गवारा नहीं कर सकता कि इस तरह की जो बता रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? बस हम एक ऐसे मुसलमान है, ठीक है, वो शुरू दिन से लेकर अभी तक उन्होंने हमारी मुखालफत की है और हम भी तो उनकी मुखालफत की है सर जी। हमने भी तो नहीं, हमने नहीं मुखालफत की। वाह बेटा, लगता है तुम घूंघ खा के ही मानोगे कि ये जो हमारे कभी भी हम साया मुल्क है होने के नाते हमारे साथ इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया आज तक। आपके साथ अमेरिका ने अच्छा बर्ताव किया इतने सालों में? नहीं, वो तो देखो उन्होंने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर उनसे ये बेहतर जो जो बता रहे ना ये बेहतर नहीं है, ठीक है। अमेरिका तो फिर भी हमें हमारी इमदाद भी करता है, हमारा अगर भारत हमारी इमदाद करे तो भारत अच्छा। नहीं नहीं, इमदाद की बात नहीं, वो दीन के मामले में हमारे खिलाफ है, ये हमारे दीनी मसले मामले में नहीं आते। सर, चाइना वहाँ पर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करता, चाइना ने मस्जिद तक को डिमोलिश किया है, आप ऐसे कैसे बोल सकते? कब किया मुझे बताओ। सर जो समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आता, अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले की न्यूज़ देखे सर, उन्होंने हमारी मस्जिद को डिमोलिश किया। ये कमेंट से है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा जमीर नहीं गवारा कर सकता। चाइना ने मस्जिद डिमोलिश की है, इसको आप इसको नहीं आप समझते? मैं समझता हूँ, मगर उन्होंने गलत किया, ये करना तो नहीं चाहिए था। हालांकि चाइना जो है ना हमारा हमसाया, वो भी हमारा हमसाया मुल्क, हम उनकी मिसाल देते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए चाहे चीन क्यों ना जाना पे जाना चाहिए, मगर उसमें भी देखो पूरा चाइना तो नहीं हमारे मुखालफ, उसमें चाइना के कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया चाइना के कोर्ट ने। बिल्कुल, चाइना ने अगर कोर्ट के ऑर्डर दिया तो बहरहाल उनको चाहिए था कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को उन्होंने चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करते, मगर उन्होंने गलत किया ये चीज। लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है ना, जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है। हमारा दोस्त बिल्कुल हमारा है। आपको पता है दुबई के अंदर इंडिया और दुबई के बड़े वहाँ पे अच्छे रिलेशंस है, आपको पता ही होगा। एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि वो उनकी एनवायरनमेंट है। वहाँ पे इंडियन आपके दोस्त हैं कोई? ऑब्वियसली बोल रहे हैं। मुझे बताया क्या इंडिया के वहाँ पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है? इंडिया की वहाँ पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करती है, इतना डिग्रेड करती है कि मैं आपको, मेरे पास वो लफ्ज नहीं मैं आपको बयान कर सकूँ। अगर ऑब्वियसली वहाँ पे आप लड़ नहीं सकते किसी के साथ, ऑब्वियसली मैं आपको वो वर्ड नहीं बयान कर सकता वो किस किस्सा की होता है ना। एग्जैक्टली दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम बहुत मासूम है, बहुत परेशान है। आज भी 100 में से 90 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान और हिंदुओं के कत्ल की कोशिशों में लगे रहते हैं। ये कौम न कभी सुधरी है न कभी सुधरेगी, इसलिए इनके साथ भला नहीं किया जा सकता। तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।